गाइस तो अभी हमारा सामान पूरा निकल रहे हैं, दुकान में ले जाना है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? फिर से स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। और अब मुझे देखकर लग रहा होगा कि मैं जस्ट अभी उठी हूँ, तो हाँ मैं जस्ट अभी उठी हूँ। और अभी है ना हमारा जो दुकान का सामान जो है ना वो पूरा निकल रहा है, क्योंकि अभी हमें जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि कल हमारे गुरु जी आ रही है पूजा के लिए ना, तो सामान पूरा दुकान के अंदर रखना है, तो इसलिए अभी सब जल्दी जल्दी करना है। तो सुबह सुबह से अभी भैया लोग पूरा सामान लेके जा रहे हैं गाड़ी से ना, वहाँ तक दुकान तक शिफ्ट करेंगे। तो या तो ऐसे ही है, तो अभी सुबह सुबह सब लोग उठ के काम कर रहे हैं, तो मैंने सोचा आज का व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो या तो गाइस देखिए अभी हमारा रूम पूरा खाली हो रही है, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा सामान बचा है, बाकी चल गया सब दुकान में। और यहाँ पर किचन में भी अभी पूरा खाली हो रही है देखिए, नहीं तो ना यहाँ पर पूरा भर गया था, अभी खाली हो रही है, सब दुकान में लेके जा रहे हैं। अभी जल्दी जल्दी करना है हमें। और देखो अभी थोड़ा जगह बन गया, नहीं तो यहाँ पर पूरा पैक्ड था, किचन जाने का रास्ता भी नहीं था। और मैं जस्ट अभी पपी और यंकी समदुक को खाना दिया था दही, और मैं अभी नहा के ये खा रही हूँ अमरूद। अभी थोड़ा रेस्ट करती हूँ, भैया लोग सामान लेके जा रहे हैं और बेबी अभी दुकान पे है। अभी ये दूसरा टिप है, पहले वाला सामान जो है ना वो दुकान में छोड़ दिया है, बेबी वहाँ पर ड्यूटी कर रहा है और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि सामान बराबर लेके जा रहे हैं कि नहीं। तो अभी अमरूद खाते हैं। ओके गाइस, तो अभी बेबी हम दोनों तैयार होके जा रहे हैं, हमारे शॉप का जो लाइट है ना उसे परमिशन मांगने जा रहे हैं, और मीटर का भी पूछना है, तो इसलिए तो यहाँ तो अभी जा रहे हैं हम दोनों। और आज मैंने ये कुर्ता पहना है, नीचे ये वाइट प्लाजो और बेबी का ये घड़ी। तो अभी चलते हैं और देखते हैं कब तक मिलते हैं हमारा लाइट। तो गाइस देखिए हमारा सामान पूरा देखो बाहर पड़ा है, अभी भैया लोग धीरे धीरे करते करते जा रहे हैं पूरा सेटिंग, अभी तो सामान पूरा बाहर पड़ा है। कोई बात नहीं, अभी भैया धीरे धीरे कर लेंगे। और बेबी हम दोनों वैसे ना ऑफिस जाने वाले थे लाइट के लिए, लेकिन हमने ना ये दुकान देखने के लिए थोड़े देर के लिए रुका है, फिर अभी देखते हैं भैया लोग कब तक होएंगे और थोड़ी देर बाद जाएंगे बेबी हम दोनों। और पता नहीं बेबी ने कुछ पार्सल ऑर्डर किया है ऐसा कुछ बोल रहा था, तो वेट कर रहे हैं उसका, वहाँ पर बैठा है भैया पार्सल वाला डिलीवरी भैया, तो बेबी वेट कर रहे हैं, पता नहीं क्या मंगाया। कहाँ आए? पता नहीं अभी बीबी ने क्या मंगाया ऑनलाइन से। छोटा
कलर क्यों अच्छी कूलर्स ये क्या है फिर इसका अंदर एक किधर तो कूलर का दिया हाँ किन्हीं सिम्मे हाँ एक कचरा पकड़ते हैं ऐसे कलर समझ रहे हैं इसे फिल्टर होता है बोला पता नहीं अभी ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा बीबी ने लिया ये दो है क्या एक के साथ एक फ्री है बोला बाप रे एक का 500 है नीला ओके गाइस तो अभी हम घर में आ चुके हैं और बाप रे इतनी ज्यादा गर्मी है ना पसीना निकल आ रही है तो बीबी हम दोनों घर में आ गए और मैंने चेंज भी कर लिया है तो अभी है ना हमारा जो बीबी हम दोनों गए थे इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में ना फिर वहाँ पर हमने पूछा कि मीटर कैसे करना है तो ये सब कुछ जितना भी कागज़ चाहे ना वो बात किया तो आज हम कागज़ पूरा जमा करेंगे ऑनलाइन वगैरह जो भी निकालना है पूरा आज काम करेंगे फिर कल से हम मीटर के लिए काम प्रोसेस करेंगे तो बस अभी पूछने गए थे कि क्या क्या कागज़ चाहिए करके ना तो वो पूछ के अभी घर आ गए और अभी बेबी लंच बना रही है दाल चावल बना के हमें वहाँ पर दुकान पे लेके जाना है क्योंकि हमारे दुकान में बाहर सामान पूरा ऐसे बाहर पड़ा है ना तो वो छोड़ के नहीं आ सकते हैं भैया लोग वहाँ पर काम करके बैठे हैं क्योंकि बाहर पूरा सामान है ना तो इसीलिए अभी बीबी लंच बना के वहाँ पर छोड़ने जाएंगे और तब तक मैं यहाँ पर देखो हमारा घर रूम पूरा अभी थोड़ा खाली हो गया थोड़ा जगह आ गया है किचन में भी तो मैं अभी रूम साफ करूंगी फिर उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस जस्ट अभी नहा के आई हूँ तब भी इतना ज़्यादा गर्मी लग रही है बाप रे तो दोपहर से मैंने व्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि हम बहुत बिजी हो गए थे और अभी रात के 9 बज रहे हैं मैंने यंगी समडूप और पपी सबको खाना दे दिया है तो वो लोग खाना खाया था ना तो पूरा इससे फैला के तहस नहस कर दिया था तो मैंने खाना खाते ही सब लोग बैठ गए तो मैं पूरा झाड़ू लगा के साफ कर दिया है तो अभी सब लोग बैठे हैं देखिए अभी पपीस लोग पेट भर गया तो पूरा सो गया और मैंने सब लोग को खाना खिला के सब कुछ साफ करके मैं नहा के आई थी और अब भी इतना ज़्यादा गर्मी लग रही है तो जब भी मैंने आपको दिखाया था ना हमारा सामान जो है ना वो दुकान में हमने रखा था तो सेटिंग कर रहे थे ना तो वो पूरा सेटअप कंप्लीट नहीं हुआ है और कल हमारा पूजा है तो कोई बात नहीं हमने पहले टैग लगाते समय ना हमने दुकान के लिए सामान डिवाइड करके रखा था कौन कितना लेके जाना है करके ना तो वो पूरा लेके गया तो कोई बात नहीं सामान तो वहाँ पर पहुँच चुका है सिर्फ सेटअप करना बाकी है तो सेटअप तो हम बाद में कर सकते हैं तो कल पूजा है तो हमारा गुरु जी गेशला भी आ रहे हैं और गेटशी भी आ रही है तो इसलिए कल पूजा है तो मैं आपको कल सुबह पूजा पे मिलती हूँ और आई होप हमारा पूजा सही सलामत से चले तो मैं कल सुबह आपसे मिलती हूँ हेलो गाइस गुड मॉर्निंग कैसे हो आप सब तो अभी बीबी हम दोनों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है नहा लिया है काम पूरा हो चुका है और भैया लोग भी खाना खा के वहाँ पर दुकान पे गए हैं ड्यूटी करने के लिए तो अभी बीबी हम दोनों जा रहे हैं आज पूजा है ना तो हमारा गुरु जी जो है ना वहाँ से निकल चुके हैं तो अभी हमें प्रसाद खरीदना है तो बीबी हम दोनों जा रहे हैं वो खरीदने के लिए और जल्दी जल्दी करना है सब कुछ तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा आज पूजा कैसा होता है करके ना तो अभी चलते हैं हाँ पूजा के साथ उद्घाटन भी है बोलते हैं बीबी का आवाज़ नहीं नहीं दे रहा ओके गाइस तो अभी हम आए हैं यहाँ पर बेकरी में मिठाई खरीदने तो अभी मिठाई खरीदते हैं फिर जाते हैं रूम में सामान रखने और मुझे भी ड्रेस चेंज करना है आज ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना है तो अभी मिठाई ले रहे बीबी ओके गाइस तो अभी हमने ले लिया है मिठाई ले लिया तो अभी चलते हैं रूम में
ओके गाइस, तो अभी हम घर में आ चुके हैं और मैंने जल्दी से चेंज भी कर लिया है। तो अभी बेबी हम दोनों मिलके लंच बनाएंगे, फिर उसके बाद रेडी होके, लंच बनाने के बाद रेडी होके हम दुकान में जाएंगे। तो गुरुजी भी आने वाले होंगे, तो इसलिए पूरा जल्दी जल्दी करना है। तो मुझे व्लॉग करने का टाइम मिलता है कि नहीं मुझे नहीं पता, अगर टाइम मिला तो मैं आपको ज़रूर से सब कुछ दिखाऊंगी। तो पहले लंच बनाते हैं जल्दी जल्दी। तो गाइस, अभी हम आ गया, देखिए हमारा दुकान। अभी सामान लगा रहे हैं भैया लोग, और हमने ये हमारा झंडा भी लगा दिया है, और यहाँ पर गुरुजी भी आ गया हमारा आज पूजा के लिए, उद्घाटन के लिए गुरुजी बुलाया था, तो गुरुजी भी आ गए। तो गाइस, अभी हमारा पूजा स्टार्ट होने वाला है। Thank you.